केदारनाथ के दर्शन के लिए नए पंजीकरण पट्टी 25 मई तक रोक लगा दी गई है। नमस्कार, मेरा नाम है अंशु, स्वागत है आपका ई इंडिया न्यूज में। उत्तराखंड चार धाम यात्रा पर देहरादून मौसम विभाग के अलर्ट पर रोक लगा दी गई है। केदारनाथ के दर्शन के लिए नए पंजीकरण पर 25 मई तक रोक लगा दी गई है। पहले केदारनाथ धाम में नए पंजीकरण पर रोक 15 मई तक थी। जिलों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। एमपी और दिल्ली NCR सहित देश के अन्य राज्यों में उत्तराखंड आने वाले तीर्थ यात्रियों को दर्शन के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। केदारनाथ के दर्शन के लिए नए पंजीकरण पर 25 मई तक रोक लगा दी गई है। धाम में हो रही बर्फबारी और श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। जिन श्रद्धालुओं ने 25 मई तक के लिए पंजीकरण किया है, सिर्फ वही श्रद्धालु केदारनाथ धाम के दर्शन कर पाएंगे। श्रद्धालु 26 मई से पंजीकरण कराएंगे। केदारनाथ धाम में अभी रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। मौसम के रुख बदलने के बाद केदारनाथ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। पहाड़ी इलाकों में मौसम के बदलने से बारिश और बर्फबारी हो रही है। 14 मई रविवार को भी चार धाम में बारिश हुई और बर्फबारी हुई। चार धाम यात्रा रूट और पार्वती जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों के लिए जारी हुआ येलो अलर्ट पहाड़ी इलाकों के लिए मौसम विभाग में तेज गरजने के साथ बिजली चमकने की आशा जताई है। प्रदेश के रुद्र उपयोग, उत्तरकाशी, चमोली और पथरोड़ीगढ़ के ऊंचे वाले इलाके में हल्की बारिश के साथ तेज गरजना और बिजली चमकने का पूर्व अनुमान जारी किया है। इसके साथ ही ऊंचे वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है।